अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इन्फो लैब एंड एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन में हम बात करेंगे इस्लाम 360। तो दोस्तों, इस्लाम 360 क्या है, इसकी मुकम्मल स्पेसिफिकेशन आपको मैं बताऊंगा। इससे पहले, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल इन्फो लैब एंड एंटरटेनमेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड यहाँ से वीडियो मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, इस्लाम 360 एक ऐप है जो इस्लाम के मुतल्लिक है, यानी कि इसमें आपको कुरान मजीद, मुख्तलिफ अहादीस, उसके बाद दोस्तों सला ट्रैकर है, इसमें किबला डायरेक्शन है और पाँचों वक्त की नमाज का जो है अलार्म है। तो आपने क्या करना है, कैसे तलाश करना है, प्ले स्टोर की मदद लेंगे, हम कोशिश करेंगे इस वीडियो को जल्दी ख़त्म कर दें। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, यहाँ लिखना है इस्लाम 360। तो दोस्तों, यही हमारी ऐप है। अगर आप रेटिंग की बात करें तो 4.9 रेटिंग, मुझे नहीं लगता किसी ऐप की रेटिंग होगी 4.9, बहुत ही कमाल की रेटिंग है। 151 जो है इसके रिव्यू हो चुके हैं, 5 मिलियन प्लस, यानी कि 50 लाख से ऊपर लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया है। तो दोस्तों, ये बहुत प्यारी ऐप है। ये तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन करवाना था, इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। मैं इसे ओपन करूँगा तो सिंपल सा आपका पास इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और इसी इंटरफेस में इसका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आपको तमाम एक ही जगह से सारी जो है इस यूज़ेबल चीज़ें मिल जाएंगी, यानी कि आप यहाँ डायरेक्शन देख सकते हैं, या किबला की डायरेक्शन भी आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं आज तारीख़ क्या है, चांद की तारीख़ क्या है, अंग्रेज़ी की तारीख़ क्या है, नेक्स्ट जो नमाज टाइम देख सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं, नीचे जो डैशबोर्ड बना हुआ है उसमें कुरान है, हदीस है, होम है, इबादत और मोर। मोर में क्या है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कुरान। तो दोस्तों, कुरान में आप देख सकते हैं, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं किसी भी आयत को, किसी भी सूरह को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपने कुरान को ओपन करना है, जैसे ही ओपन करेंगे तो बहुत खूबसूरत सिंपल सा जो है इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और आप देख सकते हैं सबसे पहले जो हमारे पास है 22 सूरह, यानी कि सूरह बाई सूरह, उसके बाद है भाई पारा, ठीक है दोस्तों। ये हमारे 30 पारे हैं, और उसके बाद सूरह बाई सूरह, मैं फातिहा से इब्तिदा करता हूँ। और आपने देखना क्या है, यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा है, बिमा तफसीर, आप इसकी ट्रांसलेट कर सकते हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। उसके बाद हमारी आयत शुरू होती है, हमारी जो है आयत शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी कि पहली सूरत है, कुरान मजीद की इब्तदाई सूरत है। सब तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए जो जहानों का पालने वाला है। तो यहाँ आप इसका तफसीर देख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर दूँ। तफसीर मदूदी, जैसे कि हम पहले दिपजे में बयान कर चुके हैं, सूरह असल में तो एक दुआ है, ठीक है। मैं ज़्यादा जो है इसकी स्पेसिफिकेशन या तफसीर में नहीं जाऊँगा, या आपने ख़ुद देख लेना है। तो या आपने करना क्या है, किसी भी कारी की ज़ुबान में आप इसको सुन भी सकते हैं। तो यहाँ अलसुदेश है, मैं इसकी आवाज़ में आपको सुनाता हूँ, ठीक है दोस्तों। आप किसी भी कारी की ज़ुबान में कुरान मजीद को सुन भी सकते हैं। तो ये हो गया कुरान मजीद। उसके बाद है हमारे पास अहादीस, अहादीस मुबारका में हमारे पास अल बुखारी, अल मुस्लिम, अल तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, अल निसाई, सुने इब्ने माजा, अल सिलसिला, मुसनद अहमद, मिश्कात और बुक मार्क्स, ठीक हो गया दोस्तों। बुक मार्क्स में ये है कि आप किसी को भी, किसी भी, आपको जो भी अहादीस मुबारका अच्छी लगती है, यानी कि आप उस पर ज़्यादा आपको गौर फिक्र करनी चाहिए, उसके बाद में ज़्यादा मालूम आप रखना चाहते हैं, तो आप उसको बुक मार्क में भी कर सकते हैं। ये हो गया। और उसके बाद है हमारे पास वही सिंपल सा इंटरफेस जो ऑलरेडी पहले था। उसके बाद इबादत, इबादत में है प्रेयर है, फास्टिंग है, हज, उमरा, हज के मतलब आपको सारी मालूम मिलेगी, उमरा के मतलब आपको मिलेगी, नमाज जनाजे के बारे में आपको मालूम मिलेगी। अच्छा, फूड के बारे में और नमाज के बारे में भी आपको यहाँ से मालूम मिलेगी। अच्छा, मोर में क्या देखते हैं, मोर में हमारे पास सला ट्रैकर फ्लैश है, हमारे पास प्रेयर टाइम है, शेयर ग्रीटिंग किया, कायदा अल्लाह ने, कायदा में आज मैंने अपने लाइव में भी बताया था कि कायदा में क्या है। कायदा में जो हम नूरानी कायदा, यानी कि कलाम जिद की इब्तदाई तरतीब होती है, कैसे आपने अल्फाज को सीखना है, अल्फाज की तरतीब कैसे करनी है, ये आप देख सकते हैं। मैं तमाम चैप्टर जो आपको दिखा सकता हूँ, सबक नंबर 2, सबक नंबर 3, इसी तरह सबक नंबर 4, जैसे कि हम बचपन में पढ़ते आए हैं, ठीक हो गया दोस्तों। तो दोस्तों, ये बहुत खूबसूरत आयत है, बहुत ही खूबसूरत ये एप्लीकेशन है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपने बाकी जो है तमाम ख़ुद ही देख लेना है, गौर करना है, इसको पढ़ना है। इसलिए इसका नाम 360 है, यानी कि आपको रोज़ाना इसकी अपडेट मिलती रहेगी, बज़रिया अहादीस, बज़रिया आपको आयत और बज़रिया आपको अक़वाल ज़रिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ, जाना चाहता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।